भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए महाकर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। यहां महाकर्फ्यू 10 दिन तक चलने वाला है। इसके चलते पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के 3000 जवानों ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। इस दौरान जिला प्रशासन ने आमजनों से घर में रहने की अपील की। इसी के साथ प्रशासन की ओर से घर घर जाकर लोगों तक आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। उधर 5 दिन में एक बार फिर से भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। दरअसल रायला निवासी एक महिला पिछले दिनों बांगड़ अस्पताल गई थी, जिसके 2 दिन पहले सैंपल लिए गए। अब महिला को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस प्रकार से पूरे शहर में मोर्चा संभाला हुआ है। जवानों ने 3000 से ज्यादा पुलिस के जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाला है, क्योंकि महाकर्फ्यू है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे सहयोगी योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे जानना चाहूंगी, महाकर्फ्यू का आज दूसरा दिन, पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को यहां पर मुस्तैदी के साथ 3000 होमगार्ड से संभाला। इसी बीच एक बार फिर से भीलवाड़ा से एक और मामला सामने आया और संकट एक बार फिर से यहां पर छाने लगा है, क्या कहेंगे आप? भीलवाड़ा में वैसे कर्फ्यू का आज 16वां दिन है और महाकर्फ्यू जो लगाया गया है उसका दूसरा दिन है। प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। 3000 होमगार्ड, आरएसी और पुलिस के जवानों को लगा रखा है। भीलवाड़ा की सभी सीमाएं, जिले की हो चाहे शहर की हो चाहे अपने कॉलोनियों को, सबको बैरिकेडिंग लगा के सीज किया हुआ है। और भीलवाड़ा के लिए खराब खबर यह है कि 5 दिन बाद आज फिर एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। ये एक महिला, 24 वर्ष की महिला है जो रायला निवासी है। थोड़े दिन पहले ही इसने वो निजी चिकित्सालय में अपने आपको दिखाया था जी। स्क्रीनिंग के द्वारा ने संदिग्ध पाई गई, इसका सैंपल लिया जो आज पॉजिटिव हुई, उसकी पुष्टि हुई जी। प्रशासन ने सभी आमजनों के राहत के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने घर घर होम डिलीवरी की व्यवस्था करवा रखी है। जैसे दूध की व्यवस्था हो चाहे मेडिकल की हो चाहे दवाइयों की हो, सबको